तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं लेटेस्ट टेक और लेटेस्ट स्मार्टफोन की वीडियोस बनाता रहता हूं। तो यहां पर OnePlus ने इसी साल अपने OnePlus 7 सीरीज को लॉन्च कर दिया था, जिसमें से OnePlus 7 और OnePlus 7 Pro को कुछ महीने पहले लॉन्च किया था और पिछले महीने ही OnePlus 7T को भी लॉन्च कर दिया है और ये 10 अक्टूबर को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो इसी के साथ ही कंपनी ने OnePlus सीरीज के अगले स्मार्टफोन OnePlus 8 की तैयारी कर ली है, जो की 2020 में लॉन्च होगा। तो यहाँ पर OnePlus 8 की कुछ रेडर इमेजेस इंटरनेट पर लीक हुई है, जिनसे इस स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में पता चलता है। बात करें इसके डिजाइन की तो रेडर इमेजेस से पता चलता है कि डिवाइस की फ्रंट पैनल पर टॉप बेजल बहुत ही कम नजर आ रहे हैं, जैसे कि OnePlus 7 Pro में देखने को मिले थे, और इसकी स्क्रीन के दोनों तरफ कवर डिस्प्ले दिया गया है। हालांकि यह Vivo Nex 3 के वाटरफॉल डिस्प्ले कवर जैसा नहीं है, और OnePlus 8 की अलग बात यह है कि यह किसी भी वाटर ड्रॉप नॉच के साथ नहीं आता है। इसमें कंपनी पंच होल डिस्प्ले का यूज करने वाली है। हालांकि कंपनी ने OnePlus 7 Pro में पॉपअप कैमरा मैकेनिज्म का यूज किया था, इसीलिए उम्मीद यह भी है कि OnePlus 8 Pro में पॉपअप कैमरा देखने को मिलेगा। OnePlus 8 स्मार्टफोन में यह पंच होल डिस्प्ले टॉप लेफ्ट साइड में देखने को मिलती है, जैसा कि इस साल लॉन्च हुए कुछ मिड रेंज स्मार्टफोन्स में भी देखने को मिली थी। हालांकि OnePlus 8 में भी रियर कैमरा सेटअप इस साल लॉन्च हुए OnePlus 7 Pro जैसा ही होगा। इस हैंडसेट में रियर पैनल पर वर्टिकली ट्रिपल कैमरा सेटअप एलईडी फ्लैश के साथ दिया गया है। तो OnePlus के सारे स्मार्टफोन्स की तरह OnePlus का यह नया स्मार्टफोन भी कुछ जबरदस्त होने वाला है। तो आपको स्मार्टफोन कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसमें टेक और लेटेस्ट स्मार्टफोन की वीडियोस बनाता रहता हूँ। शुक्रिया।